नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। रीवा बिछिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के साथ लूट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन, हेडफोन, 6000 नगद एवं एक डिलक्स गाड़ी बरामद की है। मीडिया को जानकारी देते हुए जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि फरियादी दीपेंद्र द्विवेदी पिता प्रमोद द्विवेदी निवासी रिमारी थाना बैकंठपुर रीवा के साथ दिनांक 2 जुलाई 2022 को 3 से 4 बजे शाम के कृष्णानगर मॉल डिलीवरी करने जाते समय कृष्णानगर में रोड किनारे चार अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रास्ता रोककर एक मोबाइल, ब्लूटूथ व पैसा छीनने की शिकायत थाना बिछिया में करने पर फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बिछिया में अपराध धारा 394 और 34 IPS का प्रकरण दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने स्टाफ के साथ फरियादी की निशानदेही एवं CCTV फुटेज के आधार पर संदेही शैलेंद्र यादव, पिता राम विश्वास यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी सिलपरी थाना बिछिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर संदेही शैलेंद्र यादव ने कृष्णानगर दीक्षा कुलम स्कूल के पास फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को अपने साथी नवल यादव, मोनू यादव, अनिस सिंह के साथ मिलकर रास्ते में रोककर मारपीट कर एक मोबाइल और ब्लूटूथ व पैसे लूटकर मोटरसाइकिल क्रमांक MP17MY8716 में बैठकर भागना कबूल करने पर अन्य आरोपी नवल यादव, मोनू यादव, अनिस सिंह को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे मौके से लूटे गए एक नग मोबाइल रियलमी कंपनी, एक नग ब्लूटूथ एवं नगद 6000 रुपए एवं लूट में शामिल HF डिलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक MP17MY8716 आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर मौके पर जब्त किया गया। आपको बता दें, पुलिस ने नवल किशोर यादव, पिता राजमणि यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी सिलपरी थाना बिछिया, शैलेंद्र यादव, पिता राम विश्वास यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी सिलपरी थाना बिछिया, अनी उर्फ अनिमेश सिंह, पिता घनश्याम सिंह, उम्र 29 वर्ष, निवासी बजरहा टोला थाना सिरमौर रीवा, मोनू उर्फ दीपक यादव, पिता दिनेश यादव, उम्र 26 वर्ष, निवासी महाजन टोला थाना बिछिया रीवा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास एक नग मोबाइल रियलमी कंपनी कुल कीमत 18000 रुपए, एक नग ब्लूटूथ रियलमी कंपनी कुल कीमत 1500 रुपए, एक नग सफेद काली कलर की HF डिलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक MP17MY8716 कुल कीमत 70000 रुपए बरामद किए गए, नगद 6000 रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, इस कार्यवाही पर उप निरीक्षक जगदीश ठाकुर, ASI लखन नामदेव, प्रधान आरक्षक महेंद्र पाठक, आरक्षक देवराज सिंह, प्रधान आरक्षक जय सिंह, आरक्षक सुफल द्विवेदी, आरक्षक अरविंद, आरक्षक संदीप, पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। सर, ये डिलीवरी बॉय से लूट की घटना हुई थी, क्या पूरी घटना है? जी हाँ, ये 2 तारीख को जो है 3 से 4 बजे के बीच की घटना है। जो है डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट का है, वो अपने डिलीवर करने के लिए माल जो है कृष्णनगर के रास्ते से गुजर रहा था, और दौरान वहाँ पर 3-4 लोग जो है नशे की हालत में खड़े हुए थे और उसको रोक कर जो है उससे मारपीट की, मारपीट कर उसके जो है पास में रखा हुआ जो मोबाइल था, ब्लूटूथ था, तो कुछ कैश रखा हुआ था, तो उसको छीन लिया गया। छीनने के बाद वो लोग भाग गए। उसके बाद वो वहाँ आसपास पता करता रहा, नहीं मिला, तो हमने जाकर उसने रिपोर्ट लिखाई। उसी रिपोर्ट पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को जो है उसकी संज्ञा लूट के बारे में जानकारी दी और संबंधित जो है फुटेज वुटेज के बारे में व्यवस्था की। फुटेज निकलवाने के बाद जो है कुछ लोग संदेही जो चिन्हित हुए, उसके आधार पर हम लोगों ने एक यादव लोगों को पकड़ा है और उनके द्वारा ही खुलासा किया गया है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो 3-4 लोगों का उसमें सामने नाम आया था, कुछ एक सैलू यादव है, नवल यादव है, मोनू यादव है और एक अनिल सिंह का नाम आ रहा है। उनको जो है पूछताछ की गई, उनसे ही माल बरामद हुआ है। कितना कैश बरामद हुआ है और कितने आरोप, मतलब ये लूट के दौरान जो है एक ब्लूटूथ था, एक रियलमी कंपनी का मोबाइल था लड़के का, और 6000 रुपये बरामद हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? और जिस मोटरसाइकिल से उसने लूट की थी वो जो है वो भी मौके से बरामद की गई है।